नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूमस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल अफेयर्स को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ये फोर्थ वीडियो है इंटरनेशनल अफेयर्स सीरीज़ में। उम्मीद करता हूँ कि आपने तीन वीडियोस देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए तो ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। ऑपरेशन कावेरी वॉज लॉन्च्ड बाई इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडिया फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट जोन्स इन सूडान। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑपरेशन गंगा वॉज लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम रशिया। ये रशिया नहीं होगा, यूक्रेन होगा। तो हमें करेक्ट चूज करना है, तो ओनली वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट को, जिसमें रेस्क्यू किया जाएगा मोर देन 3,000 सिटीजन जो खारतूम और आसपास के एरिया जो सूडान में फंसे हुए हैं। फ्रॉम वेयर दे विल बी बींग टेकन टू जेदा। जेदा एक पोर्ट सिटी है सऊदी अरेबिया की। इन इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड इंडियन नेवी शिप्स के थ्रू ले जाया जाएगा। इंडिया हैज़ सेट अ सेपरेट कंट्रोल रूम इन जेदा एंड पोर्ट सूडान। पोर्ट सूडान भी रेड सी के पास में है। तो खारतूम से पोर्ट सूडान लाया जाएगा, फिर देन पोर्ट सूडान से जेदा लाया जाएगा, इधर बाई एयरक्राफ्ट और बाई नेवी शिप्स के थ्रू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उथुरु थिलाफालु अटॉल वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़। इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मालदीव्स, फिजी, मॉरिशियस, मेडागास्कर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मालदीव्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कोस्ट गार्ड इकाता हार्बर वॉज लेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज राजनाथ सिंह एंड इज मालदीवियन काउंटर पार्ट मारिया दीदी इन उथुरु थिलाफालु एटॉल वेयर इंडिया इज असिस्टिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नोवल नेवल डॉकयार्ड बनाने में हेल्प कर रहा है। दिस प्रोजेक्ट इज अमॉन्ग द बिगेस्ट इंडियन ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट्स इन द मालदीव्स एंड द प्रोजेक्ट वुड स्ट्रेंथन मालदीवियन कोस्ट गार्ड कैपेबिलिटी को ये बहुत बूस्टअप करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मालदीव्स। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। लेक ह्यूरन, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो, लेक एरे। वट इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस लेक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट में। तो ये सारे लेक्स जो हो वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर्स में है, ग्रेट लेक्स हैं। तो इस पे क्या हो रहा है, तो साइंटिस्ट आर बिल्डिंग अ सेंसर नेटवर्क टू बिल्ड टू डिटेक्ट अ ट्रेंड इन वाटर केमिस्ट्री ऑफ लेक ह्यूरन के अंदर। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डेवलपिंग अ सिस्टम दैट वुड केपेबल ऑफ मेजरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच लेवल्स इन द ग्रेट लेक्स में। ये हेल्प करेंगे मेजर करने में। एसिडिफिकेशन एक प्रोसेस होता है ऑफ वाटर बॉडीज इन विच द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत बढ़ जाता है। अगर H2O के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं हम लोग, तो ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है। सॉरी, H2CO3, जो कि एक एसिड बन जाता है। तो इस प्रोसेस को एसिडिफिकेशन कहते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए, वहाँ की जो वाटर केमिस्ट्री उसको स्टडी करने के लिए, तो इसमें हम लोग को वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करना है। तो पहले आएगा लेक सुपीरियर, देन आएगा मिशिगन, देन ह्यूरॉन, देन लेक एरे, देन ओंटारियो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाटकिन रीजन वॉज रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू वायलेंट कन्फ्रंटेशन बाई लोकल कम्युनिटीज। वेयर इट इज लोकेटेड? तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये एक एनक्लेव स्टेट है तजिकिस्तान का इनसाइड किर्गिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा किर्गिस्तान में। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है, ये यहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। द बाटकिन रीजन इज इन द लोकेटेड इन द किर्गिस्तान। द किर्गिस्तान रिपोर्टेड 18 वुंडेड ओवरनाइट इन द सदर्न बाटकिन प्रोविंस विच बॉर्डर्स द नॉर्दर्न सुगद रीजन ऑफ तजिकिस्तान एंड फीचर अ तजिक एनक्लेव वोरुख। ये तजिकिस्तान का है अ की हॉटस्पॉट इन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो बॉर्डर है बहुत अब्रप्ट है, सही तरह से बॉर्डर डिमार्केट नहीं की गई है बिटवीन द टू फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। ये पहले सोवियत रिपब्लिक्स के अंडर आती थी, जैसे
जिस तरह से आज साइबेरिया एक रिपब्लिक है, साका एक रिपब्लिक है, उसी तरह से ये भी रिपब्लिक्स थी, बट दे यूजुअली डीएस्केलेट बोथ क्विकली। ये लेकिन झगड़ा बहुत जल्दी भी शुरू हो जाता, कम भी बहुत जल्दी हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों दोनों जगह में, मेनली सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, आज भी रशियन मिलिट्री के बेसिस बहुत सारे हैं और वो रशियन मिलिट्री इनको कंट्रोल में कर लेते हैं इजीली। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू द वासेनार अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द अरेंजमेंट वॉज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1996। ये बिल्कुल करेक्ट है। इट इज अ वॉलेंट्री एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम हुज मेंबर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार एग्रीमेंट फॉर द ईयर 2023। इट्स ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, 1 एंड 2, 1 2 3, बिल्कुल सही है आंसर। सो वासेनार अरेंजमेंट क्या है? तो इट इज अ वॉलेंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम हुज 42 मेंबर्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है ऑन द ट्रांसफर ऑफ द कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। तो इट एम्स टू प्रिवेंट डिस्टेबलाइजिंग एक्यूमेशन किसी ऐसे कंट्रीज के पास में जैसे न्यूक्लियर वॉर हेड ना पहुंच जाए। तो इसका मेन नियम यही होता है। इंडिया एज्यूमिंग द चेयर ऑफ वासेनार अरेंजमेंट अटेस्ट टू इट्स कमिटमेंट एंड क्रेडिबिलिटी एज अ कंट्री कमिटेड टू डिसआर्ममेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ डुअल यूज प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज। जिस तरह से डुअल यूज प्रोडक्ट का मतलब है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग को एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी बनता है, साथ ही साथ में वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में भी हेल्प करती है। तो ये डुअल यूज प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज, तो इसका मिसयूज ना हो जाए इसीलिए ये वासेनार अरेंजमेंट कहा, मतलब वासेनार अरेंजमेंट एक इंटरनेशनल एफर्ट है ताकि ये नेगेटिव फॉलआउट को कंट्रोल किया जा सके। तो नेक्स्ट को, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विथ रेफरेंस टू ऑकस पार्टनरशिप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, सिंगापुर टू डिप्लॉय न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इन द पैसिफिक रीजन। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। ऑस्ट्रेलिया तो है लेकिन कुवैत सिंगापुर नहीं है, इसके जगह में है यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। द पार्टनरशिप एम्स टू काउंटर चाइनाज एम्बिशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो हमें करेक्ट चुनना है स्टेटमेंट, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 only इज द करेक्ट आंसर। द डील वॉज मेड टू एम्फोसाइज द कंट्रीज शेयर्ड कमिटमेंट टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन हो। इट इफेक्ट इट सीक्स टू कॉम्बैट चाइनाज एम्बिशन इन द रीजन। चाइना अपना डोमिनेंस शो करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। द फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव ऑफ द ऑकस इज टू डिलीवर ए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फ्लीट फॉर ऑस्ट्रेलिया बाई 2030s में ये जाकर कंप्लीट हो पाएगी। द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स विल गिव ऑस्ट्रेलिया नेवल हेल्प इन द पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत हेल्प करेगा ताकि वो चाइना की जो पॉलिसीज है उनको कंट्रोल करने में, जो चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसीज उनको कंट्रोल करने में हेल्प करे। तो ये कौन ऑस्ट्रेलिया को देगा? तो यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोवाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो गया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, ईरान, इराक, वेनेजुएला, कॉन्गो, ओमान, यूएसए। विच ऑफ द कंट्रीज अबव आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसे ओपेक कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा, 1 ईरान तो है, 2 है वेनेजुएला भी है, देन सॉरी 1 2 3 एंड 4, ये चारों कंट्रीज है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक जो है वो फाउंडेड हुआ था बगदाद, इराक में, विद द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट इन सितंबर 1960s का ये एग्रीमेंट है बाई 5 कंट्रीज। उस समय कौन कौन से कंट्रीज थे? नेमली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, दैट इज ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। तो ये कंट्रीज थे इनमें।
द मेंबर कंट्रीज आर, और आज के टाइम्स मेंबर कंट्रीज कौन है, ये फाउंडिंग मेंबर्स है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, और मेंबर कंट्रीज है अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला, यूएई, नाइजीरिया, लीबिया, ये सब मेंबर कंट्रीज है। एंड ओपेक सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन वियना विच ऑल्सो फंक्शन एज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑस्ट्रिया वियना में इनका हेडक्वार्टर है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट के तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फिनेंशियल असिस्टेंस दैट इज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, एशियन, आसियान, ब्रिक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन। द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंट टू कंट्रीज फेसिंग सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस एंड पेमेंट प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेस दैट रिक्वायर टाइम टू टाइम एड्रेस। तो ये बेसिकली लोन देने के लिए हेल्प करती है। तो ये श्रीलंका हैज क्वालिफाइड फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ अबाउट 2.9 बिलियन डॉलर्स, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत वर्स्ट पोजीशन पे थी। साथ ही साथ में बहुत सारे कंट्रीज जैसे बांग्लादेश हो गए, पाकिस्तान हो गए, ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आईएमएफ को ऐसे ग्रांट देने के लिए। इट हेल्प्स द, तो आईएमएफ ये क्या करता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट मीडियम टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होती है। द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफर्स लॉन्गर प्रोग्राम एंगेजमेंट एंड लॉन्गर रिपेमेंट पीरियड होता है, बहुत टाइम तक आप रिपे कर सकते हैं, एक टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मूनस्टोन क्लासेस को, एंड आप एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के सीरीज को भी देख सकते हैं, वो भी अपलोडेड है। थैंक यू, बाय बाय।